अगर अपने अपने आगे किताब को खोल लें, देखिए साउंड कम कर, आप लोग कल्पना करें, कल्पना करेंगे कि अगर पेड़ ही चलेंगे तो क्या क्या हो सकता है, अगर पेड़ ही चलेंगे तो क्या क्या हो सकता है। इन्हीं बातों को जीवित रमेश जी ने इस कविता में आप लोगों को रखने का दिया। ठीक है, अगर भाषा माधुरी, भाषा माधुरी का आप लोग निकाल लें, भाषा माधुरी पार्ट एक, अगर पेड़ भी चलते होते। बोर्ड पे लिखा हुआ है, बोर्ड को देख करके, बोर्ड क्लियर है, बोर्ड दिख रहा है लोगों को? सर योर वॉइस इज नॉट क्लियर। बोर्ड क्लियर है तो बोर्ड को देख करके सर योर वॉइस इज नॉट क्लियर। भाषा माधुरी बुक निकाल ले, भाषा माधुरी, ठीक है, पेज नंबर 33, भाषा माधुरी पेज नंबर 33। चलिए अब आप लोग पहले पहले मैं सर पेज नंबर 33, पहले मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ, उसके बाद आप लोग उसको पढ़ के सुनाएंगे, ठीक है? मैं पढ़ के बता रहा हूँ, उसके बाद आप लोग उसको पढ़ के बताएंगे। देखिए इसको पढ़ने का तरीका जो होता है इस तरह से, आवाज क्लियर है मेरी? यस सर, यस सर। ओके, आप लोग बुक को देख, किताब देखेंगे पेज नंबर 33, ठीक है, और सुनेंगे, मैं पढ़ के सुना रहा हूँ, उसके बाद आप लोग भी पढ़ के सुनाएंगे। अगर पेड़ भी चलते होते, अगर पेड़ भी चलते होते, कितने मजे हमारे होते, कितने मजे हमारे होते। पांव तने में उसके रस्सी चाहे जहां कहीं ले जाते, अगर पेड़ भी चलते होते, अगर पेड़ भी चलते होते। जहां कहीं भी धूप सताती उसके नीचे झट सताते, जहां कहीं वर्षा हो जाती उसके नीचे हम छिप जाते। अगर पेड़ भी चलते होते, अगर पेड़ भी चलते होते। लगती भूख यदि अचानक तोर मधुर फल उसके खाते, आती कीचड़ बार अचानक, आती कीचड़ बार कहीं तो झट उसके ऊपर चढ़ जाते। अगर पेड़ भी चलते होते, अगर पेड़ भी चलते होते, कितने मजे हमारे होते, कितने मजे हमारे होते। आप लोगों ने सुना? यस सर, यस सर, अच्छा लगा सर, यस सर, यस सर। मैं अभी आप लोगों से पढ़ाऊंगा, आप लोग पढ़ेंगे, जो 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 पढ़ना चाहते हैं हैंड से रेज करेंगे, जो जो पढ़ना चाहते हैं हैंड से रेज करेंगे। आपका मेरा समाप्त हो जाएगा। सर योर वॉइस इज नॉट क्लियर। चलिए राधा करेंगे,
पल्लवी अपने आप को मुक्त कर लो, बहुत आवाज आ रही है। सर प्लीज कैन आई रीड सर प्लीज कैन आई रीड प्रीति की प्रीति काजल आश्रुति परिया गाना पड़ी मस्त क्या करना है मुझे पढ़ाइए ना मैं बता रहा हूँ मुझे पढ़ाइए ना प्लीज तो हम क्या क्या करते कि हम उसको क्या करते उसके तने में रस्सी बांध देते उसके तने में रस्सी बांध करके जहां मन उसका उसको हम वहां ले जाते चाहे जहां कहीं भी धूप सताती हमको कहीं भी धूप सताती उसके नीचे झट सुस्ताते हमको अगर बहुत धूप आती गर्मी का महीना है जून का महीना चल रहा है और बहुत तेज गर्मी पर हो रही है इसमें क्या होता है कि इतनी गर्मी में हम लोग पेड़ के नीचे बैठते हैं तो बहुत ठंडक महसूस होती है पेड़ के नीचे बैठेंगे आपको बहुत ठंडक मिलेगी और बच्चे उस ठंडे में जाने के लिए
जहाँ कहीं वर्षा हो जाती, कहीं भी अगर वर्षा हो जाती और जून के बाद जुलाई का जो महीना आएगा तो जुलाई महीने में बहुत बारिश होती है और उस बारिश से बचने के लिए हम क्या करते हैं, इस पेड़ के नीचे हम छुप जाते फिर भी चलते होते उस पेड़ के नीचे छुप जाते लगती भूख यदि अचानक अगर हमको भूख लग जाती तो हम क्या करते उस पेड़ पे चढ़ जाते और उसके मीठे फल को उसके मधुर फल को हम क्या करते खाते। आती कीचड़ बार कहीं तो अगर बाढ़ आती है बहुत बारिश होने पर बाढ़ आ जाती है तो बहुत बारिश होने के बाद आती है तो बाढ़ आने पर क्या करते कि कीचड़ से बचने के लिए बाढ़ से बचने के लिए पानी से बचने के लिए हम उस पेड़ का शरण लेते पेड़ शरण से उसकी डाली पर जाकर बैठ जाते। अगर पेड़ भी चलते होते कितने मजे हमारे होते अगर पेड़ भी चलते होते तो हमारे बहुत मजे होते। यही आपकी कविता थी तो इसमें बहुत सारे क्रियाकलापों को कवि ने दर्शाया है। पहला उन्होंने बोला है उसके तने में जहाँ मन होता वहाँ ले जाते। इसके बाद उन्होंने बोला है कि हमको अगर ज्यादा भूख लगती तो हम उसके भी नीचे बैठ करके लुटा जाते। जहाँ कहीं भी वर्षा हो जाती हम उसके नीचे क्या होते छिप जाते और भूख अगर हमको लग जाती तो हम क्या करते उसके मधुर फल को खा जाते और कहीं भी बाढ़ आ जाती ज्यादा कीचड़ होता रोड पे सड़क पे ज्यादा कीचड़ होता तो हम क्या करते पेड़ के ऊपर चढ़ जाते और अगर ऐसा होता ये पेड़ चलते होते हम जहाँ जाते उसको साथ में ले जाते तो हमारे बहुत मजे होते। कितने मजे हमारे होते ऐसा हो ठीक है। आप लोगों ने सुना किसी को नहीं पढ़ना आवाज नहीं आ रही है कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम इसीलिए क्या करेंगे नीचे की गई पंक्तियों को पूरा कीजिए। कौन सा कैसे लिखना है आप लोग अपनी अपनी कॉपी निकाल लें उत्तर पुस्तिका निकाल लें सर हिंदी आप लोग अपने स्कूल में भी भर सकते हैं निकाल लीजिए आप अपने बुक को निकाल लीजिए और उसमें भरिए कॉपी निकालने की जरूरत नहीं है। जनाब कॉपी में जनाब कॉपी में
फिर कौन सी कॉपी में? सर रेड कॉपी में। सर कौन सी कॉपी में? सर कौन सी कॉपी में? सर रेड कॉपी में बनाना है। बहुत क्लियर है। कॉपी में बनाना है। सर कौन सी कॉपी में? सर कौन सी कॉपी में? कॉपी में नहीं लिखना है, किताब में लिखना है। किताब में पेज नंबर 34 में पूछा है भूख सताने पर हम क्या करते हैं? भूख सताने पर उसके पीछे मोबाइल
चलिए अब आगे पढ़ाते हैं। कितना हो गया ना सर? क्वेश्चन नंबर वन है। कोई बात ना, हटा दी ना, देखो इधर लिख रहा है रिकॉर्ड हो रहा है, अब आ जाएगा, अपना बना ले। दूसरा क्या बना रहा है? पहला से बता दिए, दूसरा देखा सही पर जवाब लगे। जंगल के सारे पेड़ गायब हो जाते हैं। कहानी पढ़ा हो बोलो। अरे सही सही के रेखा में सही के निशान सबको लगा ही तो सही होगा, और दूसरों में सही के निशान। हाँ तीसरा होगा क्योंकि उन लोग नहीं हिलेगा अपना यहाँ से इधर कर। सही भाषा गलत देखा ऐसा ही ना लिखने का तरीका बताते हैं। क्या मैं गुड मार दिया? खाली देखो दूसरा लिखे ना, दूसरा बच्चन समझते हो पांच सर लिखा रहे हैं। अरे दूसरा में सही, हम भी सही करती है। कहानी पढ़ तो मैं तो हिंदी में कहाँ तक पढ़ाई, सही बताना। जब अगर पेड़ नहीं होते, अगर पेड़ नहीं चलते। What?
पार्टी लिखा रहे हमको कुछ समझ में आ रहा है।
भूख लगती तो हम क्या करते? तोड़ मधुर फल उसके खाते। अगर ताला खा दी तो सर पेज नंबर उसके ऊपर चल जाते। ठीक है, अगर वर्षा होती तो हम क्या करते? छत से पेड़ के नीचे छुप जाते। बहुत अच्छा। अगर हमें गर्मी लगती, अगर हमें तो हम क्या करते? अगर हमें भूख लगती तो हम क्या करते हैं? पेड़ों के नीचे छुप जाते। पेज नंबर 36 में कुछ करने के लिए है, यही आपका होमवर्क है। करने के लिए वाला बनाना मेरे पास पेंटिंग कलर है, उसका पता अच्छे से पेंटिंग कर गई थी। यस सर दिख गया सर। Bye sir, have a nice day. Bye sir, have a nice day.